नमस्कार, मैं पिंकी गुरनानी। हमारे खास प्रोग्राम आस्था के दरबार में आपका स्वागत है, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं आस्था भरे मंदिरों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। राजधानी जयपुर में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कारों से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनके बारे में सुनकर हर कोई नतमस्तक होता नजर आता है। मंदिरों की कला और चमत्कारों के चलते जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। आज हम आपको छोटी काशी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जयपुर का प्रथम पूज्य मंदिर यानी मोती डूंगरी गणेश मंदिर कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बारे में। छोटी काशी के नाम से जग विख्यात शहर यानी जयपुर, यहाँ मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में भगवान गणेश को सिंदूर और चोला चढ़ाया जाता है। ये मंदिर भगवान गणेश के मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। यहाँ दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते हैं। इस मंदिर में दाहिनी सून वाले गणेश जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है, जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर भव्य श्रृंगार किया जाता है। अगर बात गणेश चतुर्थी के मौके की करें तो यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की विशेष आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि अगर कोई इंसान नया वाहन लेकर आता है तो सबसे पहले यहाँ लाना होता है। नवरात्रों की बात करें तो यहाँ पूजा के लिए नए वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर प्रथम पूजा कराने से हादसा या दुर्घटना नहीं होती है। वहीं शादी के समय पहला निमंत्रण पत्र भी भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ाया जाता है, जिसके अनुसार माना जाता है कि भगवान गणेश उनके घर आते हैं और शादी विवाह के सभी कार्यों को शुभता से पूर्ण करवाते हैं। मोती डूंगरी की तलहटी में स्थित होने की वजह से इनको मोती डूंगरी गणेश मंदिर कहा जाता है। इसे लेकर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ स्थापित गणेश की प्रतिमा जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली से साल 1761 में लाई गई थी। कहा जाता है कि मावली में ये प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी। ये प्रतिमा उस समय में 500 वर्ष पुरानी थी। यहाँ लाने के बाद जयपुर के नगर सेठ पल्लीवाल की देखरेख में भगवान गणेश की मूर्ति को पहाड़ी की तलहटी में विराजमान किया गया। धीरे धीरे भगवान के चमत्कार के चलते यहाँ श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता गया और मोती डूंगरी मंदिर देश भर में पूजा जाने लगा। इस खास प्रोग्राम में आपने जयपुर के प्रथम आराध्य देव गणेश मंदिर के बारे में जाना। अगली कड़ी में एक और मंदिर के बारे में जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पीपल वॉइस। नमस्कार।